हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भूमि और आज मैं आपके साथ बेसन डुबकी की सब्ज़ी की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूं। और आई होप कि आपको ये मेरी बेसन डुबकी की सब्ज़ी की रेसिपी जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। ये बहुत ही बनाने में आसान है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चावल चपाती के साथ कभी भी सर्व कर सकते हैं। बनने में इतनी आसान है कि जब कोई सब्ज़ी नहीं हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डुबकी के लिए जो है पेस्ट रेडी करना है। तो सबसे पहले मैंने ये 4 छोटे कप जो है बेसन लिया है। अजवाइन ऐड करेंगे, देन इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, देन यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। 2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड किया है। एंड अब जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स इट वेल एवरीथिंग। देन इसके अंदर जो है मैं दही ऐड कर रही हूँ, कर्ड ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1/2 कप जितना जो है दही ऐड किया है। और अब इसको जो है अच्छे से चला लेंगे। देन इसका जो हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है, ठीक बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, जैसे पकौड़े का बैटर बनाते हैं ना वैसा ही हमें पेस्ट बनाना है इसका, पकौड़े के बैटर के जैसा। और ये पेस्ट जो है रेडी है। यहाँ पे मैंने जो है एक पैन में जो है पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रखा है। और पानी जब बॉईल हो जाए तब आप जो है छोटे छोटे बॉल जो है लीजिए, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं वैसे ही आप पेस्ट जो है थोड़ा थोड़ा लीजिए पेस्ट में से, और इसके जो है छोटे छोटे बॉल टाइप जो है जैसे पकौड़े बनाते हैं वैसे डालते जाइए। एंड इसका जब तक ये सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें डुबकी को जो है बॉयल करना है, पकाना है। तो 15 मिनट्स तक पकाएंगे। एक कढ़ाई में जो है ऑयल गरम करेंगे, देन इसके अंदर जो है सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता ऐड करेंगे, देन कुमिन सीड्स और हींग ऐड करेंगे, देन अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से जो है चला लेंगे, सॉटे कर लेंगे। देन यहाँ पे मैं चॉप टोमेटो जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो जो है वो चॉप किए थे, उसको भी जो है मैंने ऐड कर ली है। अब इसको जो है अच्छे से चला लेंगे, मिक्स इट वेल एवरीथिंग। और अब इसके अंदर टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर जैसे ड्राई स्पाइसेस जो है वो ऐड कर लेंगे। सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे, मिक्स इट वेल। एंड देन इसको जो है 5 मिनट्स के लिए कवर कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर हमारी डुबकी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है आफ्टर 15 मिनट्स। तो गैस फ्लेम जो है अभी ऑफ कर देते हैं, डुबकी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी यहाँ पे हमारा ग्रेवी है सब्जी के लिए वो भी रेडी हो चुका है, ऑयल जो है अच्छे से छूट चुका है। और अब जो है इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। देन यहाँ पे अभी हमारी बेसन जो डुबकी रेडी हो चुकी है उसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो बेसन डुबकी को इसके अंदर ऐड कर लेंगे और सब्जी के अंदर जो है ग्रेवी है उसके अंदर बेसन की डुबकी को जो है मिला लेंगे और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और डुबकी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। देन इसके अंदर है ना सारी डुबकी ऐड करने के बाद, मसाले के बाद डुबकी जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो डुबकी हमने बॉईल करी थी वो पानी जो है उसको फेंकेंगे नहीं, वो ही पानी जो है हम इसको थोड़ा पतली बनाने के लिए थोड़ा सा पानी जो है उसी का पानी जो है बचा हुआ पानी है वो ही ऐड करेंगे इसके अंदर। और आपको जैसा इसको बनाना है पतला गाढ़ा आप अपने हिसाब से पानी जो है ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट्स के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स गैस फ्लेम जो है ऑफ़ कर लेंगे। हमारी बेसन डुबकी की सब्जी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गैस फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। और बेसन डुबकी की सब्जी को जो है आप चावल चपाती किसी के साथ भी या फिर साइड डिश में भी बना सकते हैं। इसको सर्व कर लिया है और बिल्कुल रेडी है हमारी बेसन डुबकी की सब्जी। आपको मेरी बेसन डुबकी की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अपने नए अगली रेसिपी की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।